ज्ञान और उम्र में एक तारतम्य होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अनुभव ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब कभी उम्र कम हो और ज्ञान अधिक किसी में प्रदर्शित हो तो समझ जाइए कि वह उस व्यक्ति के अथक परिश्रम का परिणाम नहीं बल्कि वह कहीं न कहीं ईश्वरी आशीष उसके ऊपर है। कक्षा 5वीं में पढ़ने वाली तानिया जैन इसी इबारत में ढली एक नन्ही बालिका है। मंगलवार को छोटी उम्र की इस बच्ची ने जब सिविल वार्ड भाईजी मंदिर और वसुंधरा नगर में उत्तम सत्य पर आधारित जिनवाणी के अनुसार धारा प्रवाह प्रवचन दिए तो सुनने वालों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। कुमारी तानिया दमोह जिले के छोटे से ग्राम रजपुरा की रहने वाली है, जिसके पिता अमरचंद जैन व्यवसायी हैं और माँ गृहिणी हैं। वर्तमान में वह प्रतिभा स्थली जबलपुर में पढ़ रही है। महा यह लड़की अपनी उम्र से ही जैन मंचों पर जैन धर्म पर आधारित मांगलिक प्रवचन करती है। उसका ज्ञान इतना स्पष्ट है कि हर शब्द का उच्चारण शुद्ध और चेहरे पर भाव उसका आत्मविश्वास स्वतः ही श्रावकों को उसकी ओर आकर्षित करते हैं। हम आपको बता दें कि ये नन्ही बच्ची दमोह जिले के मड़िया 2 सहित दमोह के बाहर अनेक जिलों में प्रवचन। कुमारी त्या ने अपने प्रवचन में कहा कि सत्य ही जीवन का श्रृंगार है और जैन धर्म सत्य पर आधारित कर्म करने की आज्ञा देता है। यदि व्यक्ति सत्य पर आधारित कर्म करे उसके जीवन में न केवल हमेशा प्रसन्नता रहेगी बल्कि वह सफलता के कई मकामों को भी छू सकते हैं। उन्होंने समाज पर प्रचलित परंपराओं और दकियानुसूयियों पर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि धर्म शाश्वत है और हमें इनके सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। हम एक अच्छे धर्मावलंबी तभी हो सकते हैं जब हम अपने आचरण में महावीर के सिद्धांतों को उतार पाएंगे। भारतीय न्यूज के लिए दमोह से चतुर्भुज बिट्टो दुबे की रिपोर्ट। और जब तक पूरी दुनिया में कभी शांति से नहीं रहेगा, इससे डरो मत। अगर डरना है तो कर्मों से डरिए, भगवान से मत डरिए, क्योंकि ईश्वर आपको माफ कर सकता है लेकिन आपके अपने कर्म आपको अभी माफ नहीं कर सकते। आपके कर्मों का परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होगा। मंदिर जाता तो मैंने बोला हाँ दादा जाइए आराम से। तो सेठ बोला अरे दूध में थोड़ा पानी मिलाया कि नहीं मिलाया, हल्दी में थोड़ी मिट्टी मिलाई कि नहीं मिलाया, ग्राहक आने वाले हो। एक तरफ तुम ये काम कर रहे हो, प्रभु का नाम लेना कोई बुरी बात तो नहीं, लेकिन उस दूसरी साइड को भी तो सुधारो, उस कर्म को भी तो सुधारो। गलत ना भी करो लेकिन अगर आप अपना कर्म सच्चाई से करने लगे समझ लेना मेरा बात। कोशिश कर सकते हो बचने लेकिन बच नहीं पाओगे। वो कर नहीं मैंने पूछ करके आएगा तुम्हारे पास और तुम ही अपने कर्म। Subscribe now to most exciting channel ever.